ही, और जहां शेष जो प्रांत बच गए जिनमें कार्यकारिणी परिषद नहीं है गवर्नर के पास, उन वहां के जो दो सदस्य होंगे कार्य करने के लिए, उन दो सदस्यों में से एक भारतीय का होना आवश्यक होगा। तो इस तरह की बात हम कर रहे हैं। आप देखिए अगला जो हमारा बिंदु है, द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है, द्विसदनात्मक व्यवस्था आप समझ सकते हैं, जैसे अभी वर्तमान में हमारे पास राज्यसभा और विधानसभा है, दो सदन है, वैसे ही अंग्रेजों के जमाने में भी दो सदन थे हमारे पास। उन दोनों सदनों में राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, इसके 140 सदस्य हैं, 143, और इसके सदस्य हैं 40। अब इसकी सबसे बड़ी जो बात हमें इस अधिनियम में देखने को मिलेगी वह अंग्रेजों ने क्या किया है, इनमें सिखों और मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया। यानी हम जब इसकी बात करते हैं इस अधिनियम की, तो इस अधिनियम के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे ध्यान में आती है वो ये है कि अंग्रेजों ने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति का विस्तार करते हुए सिखों को, अंग्रेज भारतीयों को, जो अंग्रेजों ने भारतीय की नागरिकता ले ली उन्हें, ईसाई भारतीयों को, यानी जिन भारतीयों ने ईसाई धर्म अपना लिया है उन्हें भी निर्वाचन, मुसलमानों को निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल करते हुए उनके लिए सीट रिजर्वेशन का काम किया है। यानी उन्होंने अपने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण या सांप्रदायिक आधार पर भारत का डिवाइडेशन करने के लिए और अन्य जातियों को शामिल कर लिया, और इन अन्य जातियों को शामिल करने के आधार पर ये भारत के लिए अत्यधिक नुकसानदायक हो गए हैं। 30 मुस्लिम और 2 सिख चुने गए थे, शामिल किए गए, और सिर्फ 51 सामान्य, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें कि ये जो डिवाइडेशन है, इस डिवाइडेशन ने भारतीयों के लिए बहुत ही नुकसान का काम किया है। आगे देखें आप, जो 40 सदस्य हैं विधानसभा के, उन 40 सदस्यों को केंद्रीय विधानसभा, जो मैंने कहा उन 40 सदस्यों में 25 सरकारी और 15 गैर सरकारी सदस्य शामिल होते हैं। इसके अलावा इन सदस्यों में जमींदार भी शामिल थे, व्यापारी वर्ग के भी प्रतिनिधि शामिल थे, और गवर्नर की जो कार्यकारिणी थी जिसे हम केंद्रीय विधानसभा कह रहे हैं, इसकी सदस्य संख्या मैंने गलती से ये कर दी है। ये यहाँ पर जो 40 सदस्य हैं मनोनीत, हमने बात की थी, ये निर्वाचित हैं, इनमें से 143 में से, और जो 40 हैं वे मनोनीत किए गए। टोटल 143, और 60 जो हैं केंद्रीय परिषद के, इनका निर्वाचन, या इनका निर्वाचन नहीं होता, ये मनोनीत किए जाते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति हैं 33,
ये इस तरह की दो सदनात्मक व्यवस्था लागू की गई है, और इस दोनों सदनात्मक व्यवस्था में आप देख लें एक बार, 143 और 60। ठीक है, आगे चलें आप। आगे हम देख रहे हैं कि मताधिकार की शक्ति यानी इस अधिनियम के द्वारा आप देखें, इस अधिनियम के द्वारा 10% मैक्सिमम 10% लोगों को अब ये अलग अलग आधारों पर मिले हैं। शिक्षा, कर, मुख्य आधार यही थे, यानी जो कर दे रहा है उसके आधार पर मतदान देने का अधिकार हो गया, या शिक्षा के आधार पर मतदान देने का अधिकार हो गया। जब पहली बार ऐसा हुआ कि 10% लोगों को मतदान का अधिकार मिल रहा है, तो इस अधिनियम ने पहली बार हमें मतदान का अधिकार दिलवाया। आगे चलें, ये बात हमने पहले भी की है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति किस लॉर्ड के समय आई थी? लॉर्ड लिटन के समय। लॉर्ड लिटन ने जो केंद्रीकरण या एकात्मक शासन की बात की थी, या अत्यधिक नियंत्रण की बात जो की थी, या जो प्रस्ताव लेकर आए थे मिस्टर लिटन, उसके विपरीत ये अधिनियम जो था वो विकेंद्रीकरण के लिए लाया गया था, कि सत्ता या खासकर प्रांतीय स्तर पर या प्रांतीय आधारों पर हम पुनः लोगों को शासन या व्यवस्थाओं में शामिल करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय के लिए वह अधिनियम, और ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक लोग, या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग प्रशासन में सक्रिय होकर भाग ले सके, और ब्रिटिश सरकार के प्रति जो वातावरण या नकारात्मक जो माहौल बन रहा है उस माहौल को समाप्त किया जा सके। इस आशा के साथ इस तरह के केंद्रीकरण को हटाकर विकेंद्रीकरण को अपनाया जा रहा था, और ये कुछ सीमा तक सफल भी रहा। आगे चलें, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में जो व्यवस्था की गई थी उसमें भारतीय प्रांतों के प्रति किसी तरह का उत्तरदायित्व नहीं था केंद्र का, क्योंकि हमने अभी बताई जो दो सूचियां हैं उनमें हमने जो हस्तांतरित विषय रक्षित विषय के रूप में जो डिवाइडेशन किया है, या जो प्रांतीय या केंद्रीय सूची के रूप में जो डिवाइडेशन किया है, उस रक्षित और हस्तांतरित जो विषय हैं वे कम महत्वपूर्ण हैं बजाय प्रांत केंद्रीय या संघ सूची के जो विषय उनकी तुलना में। इनकम हो रही है वहाँ, तो जो गवर्नमेंट्स है या जिनका डायरेक्ट जो कनेक्शन है या डायरेक्ट जो दायित्व है सरकार का प्रजा के प्रति, वह दायित्व सीमित हो जाता है। इसके कारण इन्हें आय तो हो रही है, आमदनी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये किसी प्रकार की जवाबदेही इस अधिनियम के तहत अपने आप को नहीं दे रहे हैं। यानी इनका कोई दायित्व नहीं है अगर अकाल पड़ रहा है और प्रशासन फेल हो रहा है तो, इनका कोई दायित्व नहीं है अगर चिकित्सा व्यवस्था अच्छी नहीं हो रही है तो, शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो, स्थानीय स्वशासन ढंग से काम नहीं कर रहा है तो, ऐसी स्थिति में क्योंकि उन्होंने ये दायित्व दे रखे हैं इस प्रांतीय शासन व्यवस्था को, या प्रांत की जो सरकारें हैं या जो प्रांत के जो लोग हैं या प्रांत के जो मंत्री हैं उन्हें इस तरह की व्यवस्था दे रखी है, तो जवाबदेही भी उन्हीं के प्रति है। तो आगे देखें आप, और इसके अलावा तो इस प्रकार ये जो केंद्र है वो है अनुत्तरदायी व्यवस्था के अंतर्गत आता है, जो कि इस अधिनियम की मुख्य विशेषता रही थी। फरवरी में भारतीय राजाओं को, अब आपको पता है जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राजाओं के सहयोग को प्राप्त करने के लिए, या भारतीय शासकों को के असहयोग की स्थिति को दूर करने के लिए नरेश मंडल की स्थापना की गई है, और यह की गई थी फरवरी 1921 में। फरवरी 1921 में यह व्यवस्था की गई थी। इसमें 121 शासकों ने 121 शासकों ने भाग लिया था, या राजाओं ने भाग लिया है। एक सौ इक्कीस स्थानीय शासकों ने भाग लिया। इसमें से कुछ ऐसे थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, बड़े स्तर के शासक थे, और कुछ कम महत्वपूर्ण थे। तो उद्देश्य आपको पता लग ही गया, अंग्रेजों के द्वारा राजाओं को संतुष्ट करना। राजाओं का एक समूह बना दिया गया, एक संगठन बना दिया गया, लेकिन अंग्रेजों ने आगे चाल क्या चली, इसका जो प्रधान था या जो मुखिया बनाया गया, वह मुखिया बनाया गया वायस राय को। वायसराय नहीं, गवर्नर को बनाया गया, प्रांतों में था।
अब गवर्नर को बना दिया गया, तो गवर्नर ही लेगा सारे डिसीजंस, यानी अंतिम जो निर्णय लिया जाएगा वह गवर्नर के द्वारा ही लिया जाएगा। और ये जो नरेश मंडल जो था, अगर हम बात करें ये कैसी संस्था के रूप में डेवलप हुआ, इसका एकमात्र दायित्व ये रह गया कि नरेश मंडल सिर्फ एक सलाहकारी संस्था के रूप में डेवलप होगा, या इसका मात्र कार्य क्या रहेगा, सलाह देना, ये मात्र सलाह देने का काम करेगा, यानी ये एक मात्र सलाहकारी संस्था के रूप में बनाया गया, सलाहकारी संस्था। नरेश मंडल एकमात्र सलाहकारी संस्था थी और संतुष्टि प्रदान करने के लिए बनाई गई थी राजाओं को, कि राजा क्रांति न कर दें, आक्रोश व्यक्त न कर दें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध, या क्रांति नहीं कर दें। तो इस तरह से हम देखें कि इसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं वे हमने देखी। हमने एक तरफ देखे कि डिवाइडेशन जो सब्जेक्ट्स का किया गया वह इस तरह से रखा गया कि उसमें अंग्रेजी सरकार के हितों का ध्यान रखा जाए, इसमें ध्यान, और दूसरी तरफ ये देखा गया कि भारतीयों को संतुष्ट भी किया जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीयों को संतुष्ट करने के अलावा इस कार्य का जो महत्वपूर्ण विचार था वह विचार ही पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर हम देखें हमारी सूची को, तो उसमें बात की थी हमने, यहाँ 22 विषय थे, प्रांतीय रक्षित सूची में, हस्तांतरित सूची में 28 विषय के करीब विषय। ठीक है, तो उनकी चर्चा और करेंगे जब हम आगे करेंगे। अब हम अगले वीडियो में हम इनके कमियों पर चर्चा करेंगे फिर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है बड़े प्रश्न के हिसाब से। तो इसकी जो सबसे बड़ी कमी आती है वो हम चर्चा करें, कमियां। पहली बात तो हम देखें कि द्वैध शासन अपने आप में ही एक विरोधाभास स्थिति उत्पन्न करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब आप दायित्वों का निर्धारण कर रहे हैं, तो दायित्वों का निर्धारण करते समय आपने एक व्यक्ति ऐसा रखा है जो अंत में जाकर किसी भी प्रकार के कानून को अपनी स्वेच्छाचारी शक्तियों के अंतर्गत बदल सकता है। तो यानी जो व्यक्ति कानून बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं या प्रशासन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब उनको पता है कि हमारे कानून को अंत में जाकर सिर्फ इस आधार पर कि इसका निर्माण या निर्धारण किन व्यक्तियों के द्वारा किया गया है, या किन परिस्थितियों में, किन व्यक्तियों के लिए किया गया, किस कंपनी या संस्था या भारतीय सरकार, ब्रिटिश सरकार के सहयोग के बिना किया गया है, ब्रिटिश सरकार को संतुष्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस आधार पर ही अगर उसको रद्द कर दिया जाएगा तो उससे होने वाली जो अव्यवस्था है फिर उसकी जवाबदेही भी भारतीयों पर ही डाली जाएगी। यानी कानून का निर्माण किया भारतीयों ने, अच्छा कानून हो, अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन उस व्यवस्था में अगर ब्रिटिश हित नहीं संतुष्ट हो पा रहे हैं तो उसे रद्द कर दिया जाएगा, और रद्द करने की जवाबदेही भी किस पर डाल दी गई, भारतीयों पर। अच्छा कानून बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी अगर उसमें कमी रह जाती है, कसर रह जाती है, तो उसका दायित्व भी किस पर डाल दिया गया, भारतीयों पर। तो ये दो विरोधाभास है, इस विरोधाभास ने इस कानून के जो खोखलापन था या जो अधिनियम था, इसकी जो कमियां थी उन्हें उजागर करने का काम किया है। और उस कार्य को उजागर करने से जो निकल कर जो समस्याएं थी जो मैंने आपको अभी बताई थी, उनकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आगे देखें आप, तो एक बार आप उन्हें देखें बिंदुओं को, फिर मैं आपको डिटेल बताता हूँ। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इस अधिनियम में क्या क्या कमियां रही, हम उनका अध्ययन कर रहे थे।
कर रहे हैं, और उस उन कमियों को दूर करने के लिए हमें इस बात का ध्यान करना होगा कि वो कमियां वास्तव में कमियां थी या नहीं। अब देखिए आप, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि द्वैध शासन अपने आप में पहले ही सबसे पहली कमी है कि द्वैध शासन होना। हमारे घरों में भी हमने देखा है कि किस तरह से हमारे घर में डिवाइडेशन किया हुआ है। बाहर का कार्य पापा या बॉयज़ करते हैं और घर के कामों की व्यवस्था मदर या सिस्टर्स करती हैं, जब भी कोई बड़ा काम होता है नहीं होता है घर में, छोटे मोटे काम या दैनिक जीवन के जो कार्य होते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल डिवाइडेशन पार्टीशन हुआ। कभी कभी विशेष परिस्थिति में पापा भी काम कर सकते हैं और सिस्टर्स भी बाहर जा सकती हैं, मदर्स भी बाहर जाते हैं। तो हमने अभी बात की थी, पहला हमने बिंदु लिखा था कि जो विषय हैं ये सिद्धांततः ही अधिनियम दोषपूर्ण है। सिद्धांततः अधिनियम दोषपूर्ण, ठीक है, ध्यान से सुने आप, याद हो जाएगा यही। तो सबसे पहले जो बात अगर मैं कहूँ तो दायित्व, इसके विषयों का वर्गीकरण इस तरह से किया गया था कि कुछ विषय तो उत्तरदायित्व का निर्धारण करते थे और कुछ विषय ऐसे हैं जिनके उत्तरदायित्व का निर्धारण किसी के प्रति भी नहीं किया गया। यानी उत्तरदायित्व विहीन विषय, उत्तरदायित्व प्रदान किया गया और कहीं कहीं अनुत्तरदायी रखा गया, अनुत्तरदायी रखा गया। वर्गीकरण इस विषयों का सिद्धांत ही ऐसे थे जिनके आधार पर इस तरह का वर्गीकरण किया गया जो कि कुछ व्यक्तियों के उत्तरदायित्व को तो निश्चित कर रहे हैं और कुछ व्यक्तियों के उत्तरदायित्व को निर्धारित नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के डर से भारतीयों को एक अधिनियम दिया और आप समझ सकते हैं कि अगर भय से कोई चीज़ प्रदान की जाती है तो वह जब तक वह भय कायम रहता है तब तक ही वह चीज़ लागू होगी। यानी जैसे ही ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है उसके बाद अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन आने लगा। और दूसरी बात, जो भय से जो परिवर्तन किए गए थे वह अपर्याप्त थे, यानी वह इतने नहीं थे कि जो भारतीयों को संतुष्ट कर पाए। तो ये जो बात है कि ये जो दोषपूर्ण है, तो इनके सिद्धांतों मतलब जिसकी नींव ही इस तरह के विभाजन से या इस तरह के आपके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है, यानी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को समानता के आधार पर डिवाइडेशन नहीं करें, उनका इस अधिनियम की जो नींव है वो नींव ही विभाजन पर आधारित है। इसलिए इन सिद्धांतों का या इस अधिनियम की सबसे बड़ी आलोचनाओं में आता है कि इसके जो सिद्धांत है या जिसका वर्गीकरण करने की जो निर्धारण करने की जो क्षमता है वह ही अपने आप में गलत है। आगे देखें आप, दूसरा जो दोष था या जो हो सकता है बहुत इम्पोर्टेंट, दूसरा है कि जो वर्गीकरण किया गया है, विषयों का वर्गीकरण, विषयों का वर्गीकरण भी अवैज्ञानिक रहा। विषयों का वर्गीकरण अवैज्ञानिक। अब आप समझ सकते हैं अवैज्ञानिक हम क्यों कह रहे हैं इसको, या हम कैसे अभी स्पष्ट भी हो जाएगा कि ये अवैज्ञानिक क्यों रहा। तो इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि इन्होंने सिर्फ किसे ध्यान रखा, ब्रिटिश हितों को। वर्गीकरण का जो आधार रहा वो क्या रहा, ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखते हुए विषयों का वर्गीकरण किया गया। उनकी आवश्यकता या उनकी प्रायिकता या उनके इम्पोर्टेंस को ध्यान में नहीं रखा गया। अगर जहाँ जहाँ ब्रिटिश हित प्रभावित हो रहे हैं वह विषय ब्रिटिश सरकार ने अपने अंतर्गत रख लिए, और जहाँ जहाँ ब्रिटिश सरकार की जवाबदेही तय होगी या उत्तरदायित्व तय किया जाएगा वह विषय उन्होंने न लेकर भारतीयों को दे दिए गए। तो सबसे बड़ी बात यही रही कि इन विषयों का वर्गीकरण करते समय ये ध्यान नहीं रखा गया कि कौन सा विषय किस श्रेणी में क्यों रखा जा रहा है या कौन सा विषय प्रांतीय सूची में क्यों रखा जा रहा है, इसका कोई आधार नहीं था। इसका परिणाम क्या रहा कि जैसे कृषि और सिंचाई, कृषि और सिंचाई, अब कृषि रहा रक्षित विषय, सिंचाई रहा हस्तांतरित विषय, ठीक है। अब हस्तांतरित विषय जो है दोनों साथ साथ होते तो दोनों के कार्य करने में या दोनों विषय जो हैं वो अच्छे से कार्य कर पाते, इम्प्लीमेंट हो पाते, लागू हो पाते, ठीक है।
लेकिन एक विषय रखा गया है रक्षित सूची में और एक विषय रखा गया है स्थानांतरित सूची में, तो कार्य ठीक से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जो कार्य किया जाएगा, इसका जो मुखिया है या इनकी जो जवाबदेही है, वह गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के लोगों के प्रति है, और इनकी जो जवाबदेही है वह लोकप्रिय मंत्रियों के द्वारा है। यानी ये कार्य देख रहे हैं लोकप्रिय मंत्री और ये कार्य देख रहे हैं कार्यकारिणी के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य। अब इनका अपना कोई फंड नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि ये इन पर निर्भर करेंगे। तो इस तरह से ये अपने धन को बचाने के लिए किसी भी मांग को मान सकते हैं और किसी भी मांग को नहीं मानने के लिए सक्षम है। तो इस तरह का जो वर्गीकरण किया गया, अगर दोनों आज भी हमारे यहाँ ऐसा ही हो सकता था, लेकिन शिक्षा को हमने वापस संघ सूची में डाल दिया। संघ सूची का मतलब राज्य, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस विषय को निर्धारित करेंगे। शिक्षा से याद आया कि हमारे यहाँ भी शिक्षा पद्धति में अभी जो व्यवस्था है उससे पहले क्या व्यवस्था थी कि शिक्षा को रखा गया स्थानांतरित सूची में, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे याद रखें आप। लेकिन आंग्ल भारतीयों की, यानी जो भारत में रहने वाले जो अंग्रेज हैं, आंग्ल भारतीयों की शिक्षा को रखा गया रक्षित सूची में। तो यहाँ भी इस तरह का जो वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, वह क्लासिफिकेशन उचित नहीं था, ठीक नहीं था। उसका अपने आप में दिख रहा है कि शिक्षा अगर शिक्षा है तो उसको सब भारतीयों की, ये यहीं तो रह रहे हैं, सब लोगों की एजुकेशन को, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस तरह का डिवाइडेशन कर दिया गया कि अंग्रेज जो हैं भारत में उनकी शिक्षा रक्षित विषयों में रख दी, और जो भारतीय सामान्य भारतीयों की जो शिक्षा है उसे रख दिया गया हस्तांतरित विषयों में। इससे भी दोनों के बीच खींचतान प्रारंभ हो जाती है, दोनों प्रशासनिक व्यवस्थाओं के मध्य खींचतान प्रारंभ होती है। तीसरा देखें, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी जब मैं इसका बता रहा था, गवर्नर की विशेष शक्तियां आप देखें, गवर्नर की जो विशेष शक्तियां हैं उन शक्तियों को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करते हैं, तो गवर्नर हमारे यहाँ पावरफुल व्यक्ति है और वह किसी भी प्रकार की सिफारिश को मानने से इनकार कर सकता है। यानी अंतिम निर्णय कौन लेगा? गवर्नर लेगा। और गवर्नर किसके हित को ध्यान रखेगा? ब्रिटिश सत्ता के हितों को ध्यान रखेगा, और ब्रिटिश सत्ता के हितों को ध्यान में रखेगा तो वह भारतीयों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेगा, और वह जो भारतीय मंत्रियों के द्वारा या जो परिषद जो उन्हें सलाह देगी, यानी पहली बात तो वही ब्रिटिश हितों का ध्यान रखेगा, ठीक है, किसी भी दी गई सलाह की उपेक्षा कर सकता है कौन? गवर्नर। ये इसको इतनी पावर दी गई कि अंत में किसी भी प्रकार की दी गई सलाह को हटा सकता है, रद्द कर सकता है। तो इससे भी भारतीयों में जो बात आएगी, भारतीयों में जो विश्वास आता कि प्रशासन हमारे हितों के लिए काम करना चाह रहा है, वो काम नहीं कर रहा। इस तरह से गवर्नर की जो विशेष शक्तियां हैं उन्हें प्रशासन में हस्तक्षेप माना गया, जबकि ये कहा गया था कि बहुत जरूरी हो, अनावश्यक हस्तक्षेप माना गया, जबकि ये कहा गया था कि बहुत आवश्यक होने पर ही, जबकि बहुत आवश्यक होने पर ही गवर्नर हस्तक्षेप करेंगे। यानी किसी विशेष परिस्थिति में ही, विशेष परिस्थिति में ही हस्तक्षेप की आवश्यकता बताई गई थी, हस्तक्षेप की छूट थी, लेकिन गवर्नर ने ऐसा नहीं किया। वह हर छोटे बड़े मामलों में बार बार हस्तक्षेप करता था, और मैंने कहा कि वो मामला कैसा होना चाहिए? ब्रिटिश हितों का, ब्रिटिश हितों से संबंधित यदि कोई मैटर है तो उस मैटर को लेकर काम किया जाएगा, किसके द्वारा? गवर्नर को लेकर। आगे देखें, आगे देखें, चौथा है मंत्रियों की दुर्बल स्थिति। आप ध्यान कर ले, मंत्रियों की स्थिति दुर्बल थी क्योंकि भारतीयों के द्वारा निर्वाचित थे, भारतीयों के द्वारा निर्वाचित थे तो उन्हें किसी प्रकार की कोई विशेष शक्ति नहीं दी गई, या उनकी जवाबदेही तो निर्धारित कर दी गई लेकिन उन्हें उसके लिए कोई आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए गए। यानी मंत्रियों को किसी प्रकार का फंड प्राप्त
मंत्रियों को फंड या कोष कोष प्राप्त नहीं था। अब बिना अर्थ के मंत्री कुछ कर सकते हैं क्या? बिना धन के कोई काम किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जब मंत्री के पास किसी तरह के आर्थिक संसाधन नहीं है या आर्थिक शक्तियां नहीं हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वह उचित प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे और इस वजह से उन्हें निर्भर होना पड़ेगा ब्रिटिश सरकार पर, और वह खुलकर जो वास्तव में करना चाहते हैं ऐसे कार्य नहीं कर पाएंगे। और कभी गवर्नर के द्वारा मंत्रियों को बिना किसी विशेष परिस्थिति बताएं या कारण बताएं हटाया जा सकता था, हटाया जा सकता था, ठीक है। यानी वह कभी भी निरपेक्ष या स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते थे। उन्हें पता था कि हमारा कार्यकाल निश्चित नहीं है, हम निर्भर कर रहे हैं किस पर? गवर्नर पर। और गवर्नर अगर संतुष्ट नहीं होगा तो वह चाहेगा तब हमें उस मंत्री पद से हटा देगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये इस तरह की तलवार लटकती रहती है तो मंत्री किसी भी तरह से काम करने में सक्षम नहीं है। और जब वो उन्हें इस बात का अंदाज़ा है तो वह अपने आप में खुलकर काम नहीं करेगा और प्रजा के हितों को पूरा नहीं करेगा, तो मंत्री की स्थिति जो जन सामान्य में बनी हुई है वह नहीं बनी रहेगी। आगे देखिए आप, दोषपूर्ण संगठन। तुमने बात की थी प्रांतीय परिषदों की, वो दोषपूर्ण संगठन कैसे? हमने बात की थी कि 80% में से 20% और 10% जो मनोनीत है, यानी कुल 33% सरकारी लोग होंगे। किसी भी परिषद में 30% सरकारी कर्मचारी होंगे, ठीक है। आप और उसमें देखिए फिर आप उन्हें मतदान का अधिकार जो है, यानी ये जो 30% सरकारी कर्मचारी हैं ये किसके पक्ष में रहेंगे? सरकार के पक्ष में रहेंगे, सरकार का सहयोग करेंगे, क्योंकि ये गैर निर्वाचित सदस्यों की श्रेणी में आते हैं, तो ये सरकार के द्वारा है। अब सरकार के अधीन है कुछ गैर सरकारी जो सरकारी कर्मचारियों में कुछ निर्वाचित भी हैं, कुछ मनोनीत भी हैं, लेकिन इनकी समानता है सरकारी कर्मचारियों में, सरकार के पक्ष की बात करेंगे। तो ये जो इसका संगठन संरचना है, यानी सरकारी कर्मचारियों को शामिल करना ही अपने आप में इस संगठन की या इस अधिनियम की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। दूसरी अगर हम बात करें तो आपने अभी मैंने बताया था कि मतदान का अधिकार दिया गया है, तो कम से कम 10% भारतीयों को मतदान का अधिकार मिला। अब वो मतदान का अधिकार जो है वो किस आधार पर है? योग्यता नहीं है, योग्यता उसका आधार नहीं है। मतदान का आधार क्या नहीं है? योग्यता। अब योग्यता आधार नहीं है तो आधार क्या है? राजस्व, कर, और अगर हम कह दें इनडायरेक्टली तो ब्रिटिश सरकार को संतुष्ट करने के जो गुण हैं, चापलूसी अगर आप कह पाएं, ब्रिटिश सरकार के अधीन, अब वो निर्भर करती है कि कौन मतदान करेगा कौन मतदान नहीं करेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम देखें कि जिसके पास जितनी ज़्यादा संपत्ति होगी, ऐसा भी नहीं था उसको ही वोट करने का अधिकार होगा। यानी जो अब यहाँ पर भी कौन आ रहे हैं? ब्रिटिश सरकार के हितारे, यानी जो सबसे ज़्यादा धन दे रहा है, टैक्स दे रहा है, संपत्तिवान है और सरकार को अपने पक्ष में कर सकता है या सरकार की संतुष्टि कर रहा है और उसको सेवा कर रहा है, ऐसे लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो ये जो इसके कारण जो संरचना बन रही है, यानी जो जीत कर जो लोग आएंगे वह किसके पक्ष की बात करेंगे? सरकार के पक्ष की बात करेंगे। यानी यहाँ पर मतदान की योग्यता आधार होनी चाहिए थी जो नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो इस अधिनियम के द्वारा जो विधानसभाओं या जो प्रांतीय परिषदों की संगठन किया गया वह अपने आप में ही दोषपूर्ण था। सिद्धांतों में भी दोष था तो उसकी संगठन संरचना में भी दोष था। आगे चले आप, जैसे मैंने बताया संयुक्त विचार, जैसे मैंने बताया कि दो अधिकारी हैं, दो प्रशासन क्षेत्र हैं, तो जब अधिनियम आया था तो ऐसा कहा गया था कि दोनों जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, दो जो प्रशासन का क्षेत्र बनाया गया, वे क्षेत्र आपस में, दो प्रशासनिक जो क्षेत्र हैं वे आपस में विचार विमर्श करेंगे या समय समय पर आवश्यकता होने पर भी विचार करेंगे।
विचारों के आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा, ऐसी आवश्यकता पहले ही निर्धारित कर दी गई थी, लेकिन सिर्फ मद्रास प्रांत के गवर्नर ने ऐसा कार्य किया और उसने मद्रास प्रांत के गवर्नर के अलावा किसी भी प्रांत में, अब मैं आपको बता दूं अगर पहले नहीं बताया या बता दिया है, तो तीन हमारे प्रेसिडेंसीज थी, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, जहाँ के चार सदस्य और चार सदस्यों में दो सदस्य, अगर पहले नहीं बताया गया है या कुछ कमी रह गई है तो उसको यहाँ देखें आप। तो इनके जो थे ये जो प्रेसिडेंसीज हैं, उन प्रेसिडेंसीज के में से सिर्फ मद्रास ने लागू किया है, यानी मद्रास ने विचार विमर्श करने की प्रथा का पालन किया और इसके अलावा किसी अन्य ने काम नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि अब ये जब ये खुद ही अपने सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं, जो अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों की का निर्वहन इन प्रांतीय सरकारों के द्वारा ही नहीं किया जा रहा है जो कि ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व के तौर पर काम कर रहे हैं, तो इस अधिनियम को असफल होना ही था जब खुद काम नहीं कर रहे हैं। तो आगे देखें एक और, मद्रास प्रेसिडेंसी के अलावा किसी ने नहीं किया तो अपने आप में कार्य सफल नहीं हो पाएगा। आगे देखें एक और सातवा कमी या जो हमें जो इसकी असफल होने का जो कारण अगर हम कह सकते हैं तो वो था अन्य जो बाहरी परिस्थितियां थी, जिनको मैं अंतर्राष्ट्रीय भी कह दूं या राष्ट्रीय भी कह दूं कोई बड़ी बात नहीं है, अब ये जिस समय अधिनियम आ रहा है उस समय भारत में कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ जिन्होंने इस अधिनियम को सफल होने से भी रोकने में सहयोग किया। अब उनमें सबसे पहली परिस्थिति तो थी कि एक तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उससे भारतीयों में असंतुष्टि थी, जो जिस तरह से भारतीयों को जबरदस्ती प्रथम विश्व युद्ध में धकेला गया या भारत को अन्य राष्ट्रों के साथ लड़ने के लिए मजबूर किया गया। उसके अलावा खिलाफत आंदोलन था, देखो जलियांवाला बाग कांड हो गया, खिलाफत, इसलिए मैंने इसको अंतर्राष्ट्रीय कहा है, खिलाफत आंदोलन आदि जो घटनाएं थी उन घटनाओं ने भी इस अधिनियम की असफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, मतलब आप लोगों की भावनाओं को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, आप अधिनियम लाना चाह रहे हैं लेकिन उस अधिनियम से पूर्व जो कांड कर चुके हैं या जो काम हो चुके हैं, ऐसे युग आंदोलन की जो पृष्ठभूमि बन चुकी है उस पृष्ठभूमि ने भी इस अधिनियम को सफल होने से रोक दिया, यानी उसे असफल करार दिया। इसके अलावा और भी काम है, जैसे स्वराज्य दल की स्थापना हो गई, स्वराज्य दल भी क्या है, कांग्रेस से बाहर निकला, उस स्वराज्य दल की स्थापना होने के बाद इन्होंने, स्वराज्य दल ने अंग्रेजों के अगेंस्ट बहुत कट्टर तरीके से विरोध करना प्रारंभ किया, तो हम कह दें कि स्वराज्य दल ने भी अपना कार्य किया जो कि कांग्रेस नहीं कर पा रही थी, आलोचना का स्वराज्य दल की स्थापना ठीक। इसके अलावा दूसरा कारण एक और रहा कि जब तक मॉन्टेग्यू अपने पद पर बने रहे तो उन्होंने जो जो सुधार कार्य चालू किए थे इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में, उन सुधारों पर काम होता रहा, चाहे धीरे धीरे रहा हो, क्रमिक आधार पर स्लोली स्लोली काम हो रहा हो, लेकिन वो स्लोली स्लोली काम इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि उनके हटते ही, जैसे उन्होंने अपने पद से कार्यकाल पूरा हुआ और वो हटे अपने पद से, वैसे ही उनके द्वारा शुरू किए गए सुधारात्मक कार्य कम कर दिए गए या उन पर काम करना बंद कर दिया गया। तो इस वजह से भी हमारा ये अधिनियम जो था वो उतना प्रभावी नहीं हो पाया जितना ये प्रभावी हो सकता था। इसके अलावा संयुक्त उत्तरदायित्व को भी ख़त्म कर दिया गया, यानी बात की गई थी कि उत्तरदायित्व रहेगा लेकिन उस उत्तरदायित्व को कम कर दिया गया, यानी ये तो मैंने पहले भी चर्चा की, इसलिए लिखवाना जरूरी नहीं है, फिर भी आप लिख लें याद रखने के लिए, संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव, उत्तरदायित्व का अभाव, आप समझ सकते हैं कि संयुक्त उत्तरदायित्व की बात कह रहा हूं मैं, लेकिन उनका डिवाइड अलग अलग उत्तरदायित्व तो था, रक्षित सूची के विषयों का उत्तरदायित्व गवर्नर जनरल की, गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसके सदस्यों तो सदस्यों पर था, हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व था लोकप्रिय मंत्रियों के अंतर्गत, तो अलग अलग उत्तरदायित्व तो था लेकिन ज्वाइंट रूप से उनका कोई उत्तरदायित्व
नहीं था, वह संयुक्त रूप से किसी प्रकार की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते थे। आप समझ सकते हैं कि इससे क्या होगा सर, इससे क्या हो गया, क्या कमी पड़ गई, अपना अपना काम करते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो आप उस पर आक्षेप नहीं लगा सकते। जैसे मैंने बताया था कि अगर सिंचाई और कृषि में से एक विषय, कृषि अगर रक्षित विषय है तो सिंचाई स्थानांतरित विषय, अगर कृषि के लिए काम नहीं हो रहा है और अगर सिंचाई के लिए काम नहीं हो रहा है, सिंचाई नहीं होगी कभी तो फिर कृषि कैसे कार्य कर पाएगी। मान लो किसी समय अकाल पड़ रहा है या किसी तरह सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं हो पाया, बारिश कम हो रही है, अकाल भी नहीं पड़ा, तो ऐसे समय में उत्पादन जो होगा वो अपने आप कम हो जाएगा। तो अगर सिंचाई पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वहाँ कृषि पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इस तरह के संयुक्त उत्तरदायित्व की भावनाओं को वहाँ विकसित नहीं होने दिया। तो इसलिए ये कुछ कमियाँ हैं जो कि हमारे 1919 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत निकल कर सामने आती हैं। इन कमियों ने फिर आगे भारतीयों के लिए नए अधिनियम के निर्माण के आधार को तैयार करने का महत्वपूर्ण काम किया। एक बार अगर हम बात करें इन कमियों के अलावा भी, तो अब देखें हम प्रशासनिक स्तर पर यानी इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों, प्रांतीय स्वायत्तता और द्वैत शासन के बीच काम करने का जो दायित्व दिया गया था वह इसे पूरा नहीं कर पा रहे। यानी जिन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह अधिनियम बनाया गया था उन अपेक्षाओं पर यह अधिनियम काम नहीं कर पा रहा, चाहे उसके लिए बाहरी परिस्थितियाँ जिम्मेदार रही हों चाहे आंतरिक परिस्थितियाँ जिम्मेदार रही हों। लेकिन अंततोगत्वा यह असफलता ब्रिटिश प्रशासन की असफलता मानी जाएगी। इनको ध्यान में रखते हुए अब हम बात करेंगे कि इनका क्या महत्व रहा, इस अधिनियम का क्या महत्व रहा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को पहली बार मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। पहली बार भारतीयों को मतदान का अधिकार प्राप्त हो रहा है, प्रथम बार भारतीयों को मतदान का अधिकार मिला, और वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, महिला हो चाहे पुरुष हो, भारतीयों को पहली बार प्रशासनिक व्यवस्था का महत्व लिख दूं यहाँ, क्या लाभ हुए हमको, प्रशासनिक अनुभव की प्राप्ति हो रही है, प्रशासनिक व्यवस्था अनुभव प्राप्त हुआ पहली बार, फर्स्ट टाइम। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश कार्य प्रणाली का भी एक तो ये बात हो गई कि प्रशासन कैसे कार्य करता है, और उसमें भी ब्रिटिश शासन प्रणाली कैसे कार्य करती है। ब्रिटिश प्रणाली, शासन प्रणाली की जो कार्यशैली थी उसका भी हमें अनुभव हो रहा है। तीसरी बात, हम भारतीयों को अपनी प्रशासनिक हमें भी अपनी कमजोरियों का पता लग रहा है कि हम क्यों असफल हो जाते हैं, या हम क्यों प्रभावी रूप से इतना काम नहीं कर पाते, या हम किन किन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसा देखते हुए हमें इस अधिनियम के द्वारा भी फायदा हो रहा है। लेकिन इसने भारतीयों को धर्म के आधार पर डिवाइडेशन की जो अंग्रेजों की नीति थी उसके विरोध में भी खड़ा होने का साहस दिया। इस अधिनियम में जो ये आया था कि उन धर्म या संप्रदाय के आधार पर सिखों को, मुसलमानों को, यूरोपीय जो व्यक्ति हैं उन्हें भी रिजर्वेशन दिया गया था, जमींदारों को, जैसे हमने बात की थी अभी 51 तो अनारक्षित थे, 30 मुस्लिम्स, 2 सिख, 9 यूरोपियन, और 7 जो व्यक्ति थे जमींदार, और 4 जो थे वो थे व्यापारिक संघों के प्रतिनिधि। कितने हो गए, 50, 30, 80, 90, 99, 4, 103। उस वक्त मैंने लिखे भी थे, आपको ध्यान होंगे, तो आप इसमें देखिए 2 तो हैं सिख, 30 हैं मुस्लिम, नौ हैं यूरोप, अब यूरोप मैंने कहा था इंग्लिशमैन, 51 सामान्य, इनके अलावा, ठीक है,
तो ये जो वर्गीकरण किया गया है, अब इसके आधार पर हमको पता लगा कि अंग्रेज चाहते क्या हैं, भारत का डिवाइडेशन करना चाह रहे हैं धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर। तो हमने ये जमींदार हो गए, हमने इनका विरोध करने के लिए भी अपने आप को तैयार किया, यानी सांप्रदायिकता के विरुद्ध खड़े हो गए हम। खड़े हुए या खड़े होने का हमें साहस आया। अब आप देख सकते हैं ये जो मैंने अभी बताए थे 143 में से 103 लोग हैं और 40 लोगों का निर्वाचन किया गया था, 25 और 15 सरकारी और गैर सरकारी। और 60 तो थे केंद्रीय परिषद में, वो तो आपको लिखा रखा है पहले, उससे कोई मतलब नहीं, इनसे हमें कोई वैसे मतलब नहीं है, हमें इनको देखना है। अब हमें इनको देख रहे हैं क्योंकि इसमें मुसलमानों को भी दिया गया है, सिखों को भी दिया गया है, यूरोपियन अंग्रेजों को भी दिया गया है, ठीक है। तो इस डिवाइडेशन का विरोध करना जरूरी था और इसकी कमी कमजोरियों या सांप्रदायिकता की कमियों का भी हमें इस अधिनियम के आधार पर पता लगा कि किस प्रकार की ये कमियाँ हैं और इन कमियों ने भारत को कहाँ कहाँ और कैसे कैसे नुकसान पहुँचाया है। तो इसलिए हमने इनको ध्यान में रखते हुए काम करना शुरू किया। इसके अलावा सरकारी नौकरशाही, सरकारी जो नौकरशाही है उसमें भी भारतीयों की संख्या को बढ़ावा मिला। प्रशासनिक अनुभव, राजनीतिक स्तर पर या नेताओं के आधार पर, निर्वाचन के आधार पर और वैसे ही सरकारी नौकरियों के आधार पर भी, यानी सरकारी व्यवस्था में भी हम शामिल हो रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में तो है ही, सरकारी नौकरियों की बात कर रहा हूँ, सरकारी व्यवस्था में भी भारतीयों की संख्या बढ़ी। अब ये मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था, भिड़ते ही मैंने कहा था कि ये सिर्फ हम किसके भय से कर रहे हैं, ये अंग्रेज किसके अधिनियम, प्रथम विश्व युद्ध के भय से। अगर प्रथम विश्व युद्ध का जो भय है वो हटते ही ये सारी व्यवस्थाएँ भी हट जाएंगी। जैसे उन्होंने 1857 की क्रांति से पहले भारतीय सैनिकों की अच्छी संख्या में उनको भर्ती कर रखा था, लेकिन जैसे ही 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों का इन्वॉल्वमेंट पता लगा या इन्वॉल्वमेंट रहा था, तो उसके बाद भारतीय सैनिकों को अलग कर दिया गया, कम संख्या में रखा गया, कम वेतन पर रखा गया, जो भी पहले की समस्याएँ थी, यानी ये संगठित होकर किसी तरह की क्रांति नहीं कर सके, ऐसा प्रावधान किया गया। तो ऐसे ही पहले तो हमारे भारतीय व्यवस्था में भारतीय कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई सरकारी व्यवस्था में, फिर उसको धीरे धीरे कम करने का आगे प्रयास करेंगे। तो ये हमको इतने फायदे हुए इस अधिनियम के द्वारा, तो ये अधिनियम अपने आप में पूर्ण हो गया है, पूरा हो गया है। आप देखें कि एग्जाम में प्रश्न आएगा द्वैध द्वैध शासन की विशेषताओं को बताइए, या प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया उसकी क्या उपयोगिता रही, सफलता या असफलता का मूल्यांकन कीजिए। तो इस तरह का प्रश्न आ जाता है, छोटे छोटे प्रश्न मैंने आपको बताए, छोटे प्रश्न कहाँ से आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, उसका अर्थ पूछा जा सकता है, प्रांतों की संख्या पूछी जा सकती है। इसके अलावा यदि और कोई समस्या रहती, इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि ये असफलताएँ बताइए दो, उसके लाभ या महत्व बताइए। तो इस तरह के छोटे प्रश्न आते हैं, आप उनको तैयार कीजिए और अच्छा कर सकेंगे आगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।